अच्छा बेसिकली आज का हमारा मकसद है एक तो टाइम को यूटिलाइज करना, दूसरा नॉलेज गेन करना, क्योंकि नॉलेज जितना हम गेन करेंगे शेयर करेंगे और बढ़ेगा। तो बेसिकली सिंस वेल्डिंग के ऊपर ही है तो बेसिक आज का जो डिस्कशन होगा हम बेसिकली बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ वेल्डिंग पे डिस्कस करेंगे कि मतलब एक वेल्डिंग के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, कैसे उसको समझते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर। फिर एक दिन हम डिस्कस करेंगे मिक के ऊपर, टिक के ऊपर, प्लाज्मा के ऊपर। हर एक दिन एक एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। चलो अभी कोई पूछता है व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग इज बेसिकली जॉइनिंग ऑफ एनी मटेरियल थ्रू प्रेशर और नॉन प्रेशर। मतलब आप उसको प्रेशर दे के वेल्डिंग करें या बिना प्रेशर के वेल्डिंग करें। वेल्डिंग यूज फॉर परमानेंट जॉइंट्स, जहां पे आपको मजबूती चाहिए, परमानेंट जॉइंट करना है वहां पे वेल्डिंग होता है। और आजकल हर जगह वेल्डिंग है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, रेलवे हो, ब्रिजेस हो, हर जगह वेल्डिंग चाहिए। वेल्डिंग दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने कहा प्रेशर वेल्डिंग, उसको हम प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग जिसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग मतलब आपका जैसे फाइबर वेल्डिंग, अगर आपका गाड़ी का फाइबर टूट जाता है तो अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे वो रॉड वॉड यूज नहीं करता है, वो एक सिंपल सा पेस्ट यूज करता है और एक प्रेशर देके हीट जनरेट करके उसको चिपकाता है, तो इसलिए उसको प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं। लेकिन हमारे केस में नॉन प्रेशर में हम जैसे इलेक्ट्रोड, वायर ये लेके वेल्डिंग करते हैं, इसलिए इसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग कितने तरह के होते हैं। एक होता है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें रोशनी आता है, लाइट आता है, वेल्डिंग करते वक्त लाइट दिखता है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो जैसे कार्बन आर्क हुआ जिसको हम लोग गाउजिंग बोलते हैं, मेटल आर्क वेल्डिंग मतलब आर्क वेल्डिंग हुआ, मेटल इनर्ट गैस इसको मिक कहते हैं, मिक का फुल फॉर्म यही होता है मेटल इनर्ट गैस, मतलब इसमें एक गैस यूज होता है आइदर CO2 मिक्स्ड गैस, इसलिए इसको मेटल इनर्ट गैस बोलते हैं। उसके बाद आता है टंगस्टन इनर्ट गैस, दैट इज TIG, TIG का फुल फॉर्म यही होता है टंगस्टन इनर्ट गैस। उसके बाद प्लाज्मा आता है, उसके बाद सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आता है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एक अलग प्रोसेस है, इसको सबमर्ज्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेल्डिंग तो होता है लेकिन ये ढक ढक के वेल्डिंग होता है, मतलब वायर जाता है और फ्लक्स उसके ऊपर गिरता है, इसलिए आपको वो सबमर्ज्ड डूबा हुआ दिखता है। फिर इलेक्ट्रो स्लैग है, उसके बाद गैस वेल्डिंग आता है जिसमें ऑक्सी एसिटिलीन, पहले ये आप देखे होंगे रोड साइड में लोग वेल्डिंग करते थे, अगर स्टैंड टूट गया, गाड़ी का कुछ भी टूट गया, वेल्ड करना है तो ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज करके वेल्डिंग किया करते थे। उसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग आता है, जो आपका बट वेल्डिंग आता है, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, जैसे अल्मीरा में स्पॉट वेल्डिंग बहुत यूज होता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, पर्सिक्यूशन वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग आता है जो फ्रिक्शन, मतलब दो प्लेट को गर्म करके एक ही लाइन पे जुड़ा के उसको वेल्ड करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होता है, डिफ्यूजन एंड एक्सप्लोजिव वेल्डिंग भी होता है। ये सब हाई एंड वेल्डिंग है, जैसे इलेक्ट्रोबीम, लेजर वेल्डिंग, ये सब हाई इस पे चले जाता है, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा।